बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया, ये कहावत आपने खूब सुनी होगी। पैसा कमाने का इस कदर होड़ लगा हुआ है और आपाधापी मची हुई है कि बहुत सारे लोग इसके लिए कुछ भी करने से गुरेज नहीं करते। पैसा कमाने के लिए गला काट प्रतिस्पर्धा है। किसी ने क्या खूब कहा है कि ये सच है कि पैसा खुदा नहीं है, पर खुदा कसम खुदा से कम भी नहीं है। आज की खबर पर यह बात 100% सटीक बैठती है। पैसे की चाह में रिश्तों का गला घोंट दिया गया। मामला पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर से सटे प्रखंड चैनपुर का है। चैनपुर थाना के समीप स्थित पेट्रोल पंप को लेकर चाचा भतीजा का रिश्ता तो टूटा ही, अब मामला थाने में भी चल रहा है। चैनपुर के ही रहने वाले 77 साल के बुजुर्ग भुवनेश्वर प्रसाद ने अपने भतीजे अखिलेश कुमार पर धोखाधड़ी का संगीन आरोप लगाया है। खोलने के लिए जमीन मांगनी, पार्टनराई में कि पैसा हमारा लगेगा और आपका जमीन लगेगा, और उसके दो साथी भी कहें सपोर्ट किए तो हम दे दिए, और देने के बाद वो घपलाबाजी कर दिया, न प्रॉफिट दिया न कुछ दिया हमको। 77 साल की उम्र में न्याय की आस में दर दर भटक रहे भुवनेश्वर प्रसाद का चैनपुर थाना के समीप 18.5 एकड़ जमीन था, जिसमें स्कूल संचालित हुआ करता था। लेकिन एक दिन उनका भतीजा अखिलेश आया और उस जमीन में पेट्रोल पंप खोलने का प्रस्ताव रख साझेदारी में पंप खोलने के लिए बाकायदे पार्टनरशिप का एग्रीमेंट करवाया, जिसमें दोनों पक्ष बराबर के साझेदार थे। इस एग्रीमेंट के बाद आश्वस्त होकर भुवनेश्वर प्रसाद ने 30 साल के लिए जमीन अपने भतीजे के नाम पर लीज कर दी। भुवनेश्वर प्रसाद ने अपने भतीजे पर यह आरोप लगाया है कि लीज होने के बाद भतीजा BPCL कंपनी को पार्टनरशिप की बात छुपाकर अपने नाम से पेट्रोल पंप का निबंधन करवाया। हड़पने के ख्याल से एकलौता बन गया हूँ, अब हमको छाट दिया के पास। पुलिस के पास गए, वहाँ केस किए, उल्टे वो हम पर केस करवा दिया, तो बाद में फिर केस किए, तो ये केस चल रहा है। इसलिए मेरे उम्र 77 वर्ष हो रहा है, ये उम्र में बाजार से बाहर हो जा रहा है, हो सकता है कि मेरे हार्ट फेल हो जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, कि परिवार को कैसे हम खर्चा चलाएंगे, ये सोच और चिंता में हम पड़े हुए हैं। भुवनेश्वर प्रसाद की पत्नी की माने तो उस जमीन में बने घर को तोड़ने का इरादा घर वालों को नहीं था, लेकिन अखिलेश ने ऐसा प्रलोभन दिया कि सब उसके जाल में फंसते चले गए। खालसा जमीन बा वो ले ले और घर छोड़ दे, कि घर से हमन के रोजी रोटी चलत बा, घर तोड़ दे तो फिर कहाँ से हमन ला ना। तो वो कहलक कि नहीं बड़की माई ऐसा ऐसा कोय गो घर हो जाता, से चिंता काहे ला कइले पड़े। हालांकि इस मामले पर हमने अखिलेश कुमार से भी बात कर उनका पक्ष जानने की कोशिश की, तो उन्होंने अपने चाचा के द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया और पार्टनरशिप एग्रीमेंट को फर्जी बताया। लेकिन लीज पर यदि गौर करें तो चैनपुर थाना के समीप जैसे इलाके में 18.5 डिसमिल जमीन घर तोड़कर महज 2000 के मासिक किराया पर कोई कैसे दे सकता है, जबकि उस जमीन पर चलने वाले स्कूल से करीब 10,000 किराया मिल रहा हो। ऐसे में यह दावा संदेह के घेरे में तो है ही। हालांकि मामले को लेकर कई बार पंचायत भी हुई, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका है। अब भुवनेश्वर प्रसाद को कानून पर भरोसा है और यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि चाचा भतीजा के इस विवाद में क्या कुछ निकल कर सामने आता है और न्याय की बाट जोह रहे भुवनेश्वर प्रसाद को कब तक न्याय मिल पाता है।